बाद में जो तो पानी एकदम सूख जाता, हाँ, जाता है और फिर और जमीन के अंदर भी, हाँ, आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता तो हम हमारे मतलब हमारे गांव के 2-2.5 किलोमीटर हम जाते हैं और वहां से थोड़ा सा खड्डा करके वहां जो पानी उबलता है ना वो, हाँ, वो लेके आते हैं हम। हमारे गांव के सब लेडी हम सब मिलके जाते हैं, वो खड्डा करते हैं और खड्डे में से वो पानी जो आता है वो दो हंडे इनको देते, दो हंडे हम ऐसे लेके हम आते हैं। वैसे आप लोगों को बताऊं कि आप 2.5-3 किलोमीटर चलते हैं वहां और भी कई जगहों पे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में औरतें जो हैं वो मीलों चलते, मतलब आपको बता नहीं सकता, पहाड़ों के अंदर से चीर के वहां से जाते उससे उस पार जाके पानी लेने, म्हणजे ते 25-25 किलोमीटर चालत फक्त एक बाल्टी घेऊन पाणीचं घेऊन यायला, आणि हे ते पण काय रोज रोज जाते हैं। आपको कभी ज्यादा चलना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा अजून भरती करा सर, आम्हाला 3 किलोमीटर अंतरावर पाणी आणावं जावं लागतं आणि सर नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे पाणी असते, नंतर जेव्हा मार्च आणि जूनच्या शेवटला एवढं पाण्याची क्रिटिकल अवस्था होते की सर आम्हाला रात्रभर विहिरीवर थांबावं लागतं आणि ते पण रात्रभर विहिरीवर थांबावं लागतं आणि ते पण सर ते पण 2 हंडे मिळणं मुश्किल आहे आणि अडगळीची वाट दगडगोट्यांचं ते पण सापांचं आणि विंचवाचं परत त्याची पण भीती वाटते। काही गावामध्ये अशी पण घटना घडलेली आहेत, काही गावामध्ये अशी पण घटना घडलेली आहेत सर का म्हणजे महिलांना सर्पदंशाने मृत्यू पण झालेले आहेत, आम्हाला प्रेग्नेंट बाया पण आमच्या सोबत येतात, प्रेग्नेंट औरतें भी जाके प्रेग्नेंट औरतें हैं तो सांप डस लेते हैं जंगल में खड़े रहने पता है रात रात को मुझे 9 महीने पर्यंत त्यांना गरोदर अवस्थेत सुद्धा पानी भराव लागतं ते पण डोक्यावरच आणि सर म्हणजे कसं ओटी पोटात दुखणं परत सूज येणं हातापायाला आणि सर वेळेवर म्हणजे औषध उपचार पण घेता येत नाही, आखा वेळ पाण्यामध्ये निघून जातो त्याच्यामुळे वैद्यकीय उपचार घेता येत नाही आणि सर्वात महत्त्व म्हणजे पौष्टिक आहार पण घेता येत नाही। आपको आपको पता है आपका नाम अलका है ना? हो आपको पता है मेरी सिस्टर का नाम भी, माझी बहिणीचं नाव पण अलका ही है, मेरी बहन का भी नाम अलका है और आप भी जाते हैं पानी लाने? हाँ ती पण येते माझ्या सोबत। आप कहाँ रहते हैं? सर आम्ही पालघर सर, मी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यामधील तलवाड्या गावातील मी एक आदिवासी महिला आहे। अच्छा आप आदिवासी वहां ताने, हाँ, आप वहां से हैं तो यहां से यानी मुंबई से बस कुछ घंटे की दूरी है ये जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग दैट एवरी डे दे हैव टू गो एटलीस्ट 3 किलोमीटर्स वन वे टू फेच 2 पॉट्स ऑफ वाटर एंड देर आर टाइम्स वेन दे हैव टू वेट ऑल थ्रू द नाइट स्पेशली मार्च टू जून दैट टाइम ऑल थ्रू द नाइट डीप इन द जंगल सो दैट देर इज वाटर दैट कम्स अप एंड विच दे कैन देन फिल देयर पॉट्स एंड देन वॉक बैक सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव serpent bites or snake bites, they have attacks by animals there and there are even pregnant women who have to carry pots of water on their head and walk these 3 kilometers every day. So 3 kilometers up and down, so 6 kilometers, it's यही है पानी का मैराथन की जो एक बच्ची अपनी माँ से सीखती है, वो सिर्फ एक बच्ची है लेकिन पानी लाने के लिए अपनी माँ के साथ घर लाद कर मीलों पैदल चलने की कोशिश करती है, वो गिरती है फिर उठती है, उसकी मां की आंखें नम हो जाती हैं, उस मां का दर्द समझिए, पानी के लिए मां बेटियां क्या 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 करती है, क्या क्या संघर्ष करती है, इसलिए मैं खुद आपको बताना चाहूंगा एक ये जैसे कहते हैं ना कि ये वाटर मैराथन है, मतलब इनकी कहानी मैंने सुनी, मैंने कईयों की कहानी और भी स्टेट्स में सुनी है जो मीलों मील चलते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 20-20, 22-22 किलोमीटर चल के सिर्फ फिर मतलब सिर्फ एक पानी के बकेट लाने के लिए, एक घड़ा लाने के लिए उन लोग चलते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि मैंने इनको नेटवर्क 18 को कहा था कि एक ट्रेडमिल लाया जाए इधर और उस ट्रेडमिल पे मैं वो 21 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलना चाहूंगा। नहीं वो ताली की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आई वॉन्ट टू एक्चुअली फील इट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे कि मतलब, और वो तो मैं आपको बताऊं कि वो जो चलती है वो तो वहां चलती है जहां की सनलाइट
करीबन मतलब जो द कंडीशन मस्ट बी समवेयर अराउंड 40-42 डिग्रीज, इतनी गर्मी होती है, प्लस नंगे पैर चलती हैं, प्लस कंकड़ होते हैं, कांच होते हैं।